त्यांची पत्रकार परिषद सुरू होते. अयोध्येत ते पंचवटी हॉटेल या पंचतारांकित हॉटेलमध्ये बोलतायत. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे पत्रकार परिषदेत काय बोलतायत, कारण एकूणच अयोध्या दौऱ्याची ते सांगता करतायत. थेट जाऊया अयोध्येत उद्धव ठाकरे यांच्या पत्रकार परिषदेत. उद्धव जी की अयोध्या यात्रा में शामिल हो, पूरे देश से यहां मीडिया आया है. शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव जी की यात्रा कवर करने के लिए और मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं उद्धव जी की तरफ से, शिवसेना की तरफ से, कि आप सभी ने उद्धव जी की यात्रा को जी सकारात्मक ढंग से लोगों तक पहुंचाया है. इसलिए उद्धव जी ने भी आभार व्यक्त किए हैं. आपने दो दिन से सभी कार्यक्रमों का कवरेज किया है. आपको मालूम है उद्धव जी का अगर आगमन हुआ, संत सभा में गए, शिवसेना के शुरू की आरती हुई और आज सुबह आदरणीय उद्धव जी ने सब परिवार राम लल्ला का दर्शन भी किया है बहुत ही प्रसन्नता से. आप सभी लोग उद्धव जी से मिलना चाहते थे, बात करना चाहते थे, इसीलिए आज की प्रेस वार्ता का आयोजन किया है. उद्धव जी को मुंबई निकलना है 12 बजे, क्योंकि उद्धव जी ने आपके लिए समय रखा है. हाँ, तो मैं आपसे विनती करूंगा कि आप उद्धव जी से, आपसे बात करने से पहले मैं उद्धव से विनती करूंगा कि आप उद्धव जी आपकी अयोध्या यात्रा के बारे में आपका निवेदन करें. धन्यवाद. जय श्री राम. पहले तो मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं, धन्यवाद देता हूं. कल से मैं अयोध्या में हूं, आप सारे लोग मेरे साथ रहे हैं और आपके सहकार्य के कारण, सहयोग के कारण मेरी ये जो यात्रा सफल रही. मैं सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं, यहां की सरकार को देना चाहता हूं, पुलिस प्रशासन को देना चाहता हूं और खास करकर अयोध्या के जो निवासी है उन सारे लोगों को, मेरे भाई और बहनों को देना चाहता हूं. कल जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिए वो सारे संत उनको धन्यवाद देता हूं. और उनको मैंने कल ही कहा कि जो कार्य हम करने जा रहे हैं आपके आशीर्वाद के बिना वो पूरे नहीं हो सकते. मैं अयोध्या में आया हूं, उसमें मेरा कोई छुपा एजेंडा नहीं है. मैं हमारे पूरे देशवासियों की भावना प्रकट करने के लिए यहां आया हूं. सिर्फ देश के ही नहीं, पूरे विश्व के हिंदू इंतजार कर रहे हैं कि राम मंदिर कब बनेगा. कहा जाता है कि जब भी चुनाव आते हैं तो मंदिर का मुद्दा उठाया जाता है और चुनाव के बाद, मतलब चुनाव के प्रचार के दरमियान सब लोग राम राम करते हैं और चुनाव के बाद आराम करते हैं. तो अब ये कब तक हम इंतजार करेंगे? कितने, मतलब दिन गुजर गए, महीने गुजर गए, साल गए, पीढ़ियां जा रही हैं, लेकिन हमारे राम मंदिर, राम लल्ला का मंदिर नहीं बन रहा. बड़े दुख की बात है. आज मैं जब श्री राम प्रभु का दर्शन करने के लिए उस जगह पर गया था जहां हमारा राम मंदिर है, बीच में मैंने सुना था कि मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा कि मंदिर था, है और रहेगा. ये तो हमारी धारणा है, हमारी भावना है. दुख इस बात का है कि वो दिख नहीं रहा. वो मंदिर दिखेगा तो था, है और रहेगा, ये तो बात है, लेकिन दिखना चाहिए. वो दिख नहीं रहा, वो दिखेगा तो जल्द से जल्द उसका निर्माण होना चाहिए. और जैसे मैंने कल कहा कि अब चुनाव के लिए कुछ दिन बाकी रहेंगे, कुछ महीने बाकी रहेंगे, एक सेशन अभी आखिरी सेशन होगा, तो चलो लाओ एक कानून बनाओ, अध्यादेश लाओ. शिवसेना तो आपका साथ हिंदुत्व के लिए दे ही रही थी, दे ही रही है और हिंदुत्व के लिए, शिवसेना तो आपका साथ हिंदुत्व के लिए दे ही रही थी, दे ही रही है और हिंदुत्व के लिए
कुछ अच्छी बातें होगी तो उस विषय तक हम साथ देंगे। कानून बनाओ, अध्यादेश लाओ, कुछ भी करो, लेकिन मंदिर जल्दी बनाइए। बस अब हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। और जैसे सारी बातें मैंने तो कल कही दी है, कुछ लंबी चौड़ी बात कहने की आवश्यकता नहीं है। सारे हिंदू, एक जमाना था अटल जी ने कहा था कि अब हिंदू मार नहीं खाएगा, वो दिन तो चले गए, वो अब नहीं लौटेंगे। अब हिंदू ताकतवर हो गया, इतना जोश हिंदुओं में, आत्मविश्वास बाला साहब ने पैदा किया है। अब हिंदू तो मार खाएगा ही नहीं, लेकिन अब हिंदू चुप भी नहीं रहेगा। हिंदू हर कदम पर पूछेगा कि मंदिर कब बनाओगे, मंदिर यही बनेगा, जल्द बनेगा, लेकिन कब। आज जब मैं दर्शन के लिए गया तो एक अलग ही अनुभव मुझे वहां हुआ। कुछ तो चेतना है उस जगह में, कुछ तो चेतना है, जरूर है। दुख इस बात का हुआ कि मैं रामलला के दर्शन के लिए मंदिर जा रहा हूं कि जेल में जा रहा हूं। तो ये जो दुर्भाग्य की बात है हमारे देश में हो रही है, कहीं ना कहीं इसका अंत होना चाहिए। और हमारे भगवान राम का, प्रभु राम जी का मंदिर जल्द से जल्द वहां उसका निर्माण होना ही चाहिए। इसी भावना के साथ मैं यहाँ आया था। और सवाल मैं यही पूछ रहा हूँ कि जब आप कैंपेन कर रहे थे, यानी कि बीजेपी की सरकार है, तो उनके मैनिफेस्टो में लिखा है संविधान के दायरे में हर संभावनाओं की तलाश की जाएगी, तो पिछले 4 साल कितनी संभावनाओं की तलाश की गई, और क्या आपको एक भी संभावना ऐसी नहीं मिली कि उस संभावना को लेकर मंदिर का निर्माण किया जाए? तो उस संभावना की तलाश हम कब तक करते रहेंगे? और अगर मामला अदालत के पास ही डालना है तो फिर चुनाव के प्रचार के दरमियान उसका इस्तेमाल ना करें, और फिर बता दो कि भाई और बहनों हमें माफ करो, ये भी हमारा एक चुनावी जुमला था। अब हिंदुओं के साथ और उनके खास करके भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना करें, यही कहने के लिए मैं यहाँ आया। और मैं चाहता हूं कि इसी विषय में कुछ अगर एक दो प्रश्न होंगे तो आप। जी, आपने कहा था कि अगर सरकार बाधा नहीं बनाती है, मंदिर की बात आ रही है, तब हिंदू सम्राट होते हैं, लेकिन उत्तर भारतीयों के साथ इस तरह से। आप इतनी दूर से चिंता मत करो, आप इतनी दूर रहकर चिंता मत करो, हम काबिल हैं। आप चिंता मत करो, आपने कहा था कि अगर सरकार मंदिर नहीं बनाती तो शिवसेना बनाएगी, आप खुद यहाँ पर आए, क्या आपको अगर पॉसिबिलिटी पहले सरकार को कहने तो फिर सरकार किस काम की? उद्धव जी, एक सवाल ये है, उद्धव जी, सेशन नोटिफाई हो गया है, सेशन नोटिफाई हो गया है अभी, तो क्या ऑर्डिनेंस आ सकता है या कानून बिल लाना पड़ेगा अभी? कुछ भी करो, मैं कोई ऐसा तज्ञ नहीं हूँ यहाँ बैठा हुआ, कुछ भी करो। कुछ चीजें ऐसी हुई थी, जैसे ट्रिपल तलाक की बात है, क्या अदालत का दरवाजा खटखटाया था? डिमोनेटाइजेशन के बारे में आप कोर्ट में गए थे? तो सरकार होती है, और अटल जी की सरकार एक मिलीजुली सरकार थी, तो चलो उस वक्त ये मामला नहीं उठा सकते थे हम, लेकिन आज की सरकार बहुत ताकतवर है, ये सरकार मजबूत है, और अगर ये सरकार नहीं करेगी फिर दूसरी कौन सी सरकार करेगी? तो कुछ दिन बाकी रहेंगे, मंदिर तो होगा ही होगा, लेकिन अगर ये सरकार मंदिर नहीं बनाएगी तो शायद ये सरकार नहीं बनेगी, लेकिन मंदिर जरूर बनेगा। मुझे लगता है कि मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया है, बाकी मराठी मध्ये बोलतो, आप मुंबई में आकर देखो, इसलिए मैंने कहा इतनी दूर रहकर चिंता जताने की कोई आवश्यकता नहीं, हम काबिल हैं। आप मुंबई में आकर, यहाँ भी मेरे साथ कई सारे उत्तर भारतीय आए हैं जो मुंबई में रहते हैं, सालों साल रहते हैं, वो मुझसे भी अच्छी मराठी शायद बोलते होंगे, तो आप यहाँ से वो
एक डर की भावना थी ना, मैं यहाँ आने से पहले वो बात थी, मैं मराठी मध्ये बोलतो, मी कालपासून अयोध्येमध्ये आलेलो आहे आणि अयोध्येमध्ये मी आल्यानंतर मी इथल्या सरकारचं पोलीस प्रशासन आणि खास करून माझ्या या संपूर्ण तुम्हाला सगळ्या पत्रकार बांधवांसाठी भगिनींना मी धन्यवाद देतोय, कारण तुम्ही अत्यंत चांगल्या पद्धतीने मी इथे येण्यामागचा हेतू हा केवळ जगभर देशभरच नव्हे तर जगभर पोहोचवला, मी एका भावनेने इथे आलो. प्रत्येक वेळेला निवडणुका आल्यानंतर राम मंदिराचा मुद्दा घेतला जातो आणि तो मुद्दा घेतल्यानंतर मंदिर वही बनायंगे हे नारे लावले जातात. प्रचाराच्या दरम्यान रामराम केला जातो आणि निवडणूक जिंकल्यानंतर आराम केला जातो, म्हणून मी सरकारला सांगायला आलेलो आहे की आता हिंदूंच्या भावनांच्या बरोबरीने जास्त खेळ करू नका, भावनांशी खेळू नका. मंदिर तुम्ही बनवू शकता की नाही हे सांगा का. इतर ज्या काही तुमच्या घोषणा होत्या आजचे दिन किंवा 15 लाख रुपयाच्या की त्याही प्रमाणे हाही एक जुमला आहे तेही लोकांना सांगा, पण हिंदूंच्या भावनांशी खेळू नका. कारण मंदिर तर होणार, पण या सरकारने मंदिर केलं नाही तर सरकार कदाचित होणार नाही, परत बनणार नाही, पण मंदिर तर नक्की होणार. आणि या भावना व्यक्त करण्यासाठी मी आज स्वतः अयोध्येमध्ये आलो, राम मंदिरात गेलो, दर्शन घेतलं, एक रोमांचित असा अनुभव मला तिकडे आला. नक्कीच त्या जागेमध्ये काहीतरी अद्भुत शक्ती आहे, तेज आहे, चेतना आहे. पण ते दर्शन घेताना एका गोष्टीचा सर माझ्या मनामध्ये होता की मी जे दर्शन घेतोय ते प्रभू रामचंद्राचं जन्मस्थळ आहे की तुरुंग आहे, आणि हा जो काही तुरुंगवास आहे वनवास म्हणजे प्रभू रामचंद्र त्यावेळेला 14 वर्ष वनवासात होते आणि आता तुरुंगवासात आहेत की काय, अशी जी भावना तिकडे गेल्यानंतर होते ती लवकर संपली पाहिजे. आणि हिंदूंना आणि देशाला मी तर म्हणेन संपूर्ण जगाला हेवा वाटेल, अभिमान वाटेल असं एक अतिशय भव्य दिव्य मंदिर तिकडे व्हावं आणि ते लवकरात लवकर व्हावं या भावना मी इथे व्यक्त करायला आलो होतो. मला असं वाटतं की सरकारसमोर मी हा प्रश्न ठेवलेला आहे, निवडणुकांना आता काही महिने राहिलेले आहेत, कायदा करा, अध्यादेश काढा, काही वाटेल ते करा, पण लवकरात लवकर मंदिर निर्माण करण्याच्या कार्याला सुरुवात करा. ही एक इशारा, सूचना, विनंती जो तो आपापल्या परीने त्याला अर्थ लावू शकतो, पण ते मी तमाम हिंदूंच्या वतीने करायला इथे आलेलो होतो आणि ते करून मी सगळ्यांच्या सहकार्याबद्दल धन्यवाद देतो. आणि आजचं सहकार्य हे मला आपल्याला मला आपल्याकडनं नेहमी अपेक्षित आहे. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. थँक्यू व्हेरी मच, थँक्यू व्हेरी मच, थँक्यू. पत्रकार परिषद पार पडलेली आहे. उद्धव ठाकरे हे चाणाक्ष राजकारणी आहेत, त्याच मुद्द्यांना हात घातला ज्यांची त्यांना आज प्रसिद्धीसाठी गरज आहे. आणि म्हणूनच उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलेलं आहे की हे सरकार जे केंद्रातलं आणि राज्यातलं मजबूत सरकार आहे, पूर्ण मॅन्डेट किंवा जनमत या सरकारकडं आहे, बहुमताचं सरकार आहे. अशावेळी या सरकारनं जर का राम मंदिर उभारलं नाही तर मग ते कोण उभारणार, आणि जर का सरकार यात अयशस्वी ठरलं किंवा राम मंदिर उभारणी झाली नाही मोदी सरकारकडून तर मग पुढं सरकार बनणार नाही असा इशारासुद्धा उद्धव ठाकरे यांनी भाजपला, मोदी सरकारला, स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना दिलेला आहे. उद्धव ठाकरे असंही म्हणालेले आहेत की लवकरात लवकर मंदिर बांधलं पाहिजे, त्यासाठी वेळ प्रसंगी अध्यादेश आणा, त्या अध्यादेशाचं कायद्यात रूपांतर करा, पण मंदिर बनवा हीच या क्षणाची त्यांची मुख्य मागणी आहे. त्यांनी सकाळी वादग्रस्त जागेवर जाऊन रामलल्लाचं दर्शन घेतलं. ही जागा म्हणजे काय तर बाबरीचा ढाचा पाडल्यानंतर तिथं जो चौथारा बनवण्यात आलेला आहे तिथे एक टेंट उभारून रामलल्लाची म्हणजे रामाची छोटी मूर्ती स्थापन केलेली आहे, तिची प्रतिष्ठापना झालेली आहे आणि त्यालाच रामलल्ला असं म्हणतात. त्या रामलल्लाचं दर्शन उद्धव ठाकरेंनी घेतलं आणि तेव्हा ते असं म्हणाले की अशा भावना दाटून आल्या की ती जी जागा आहे ती जागा खरंच प्रभू रामचंद्राचं जन्मस्थान आहे की तुरुंग आहे. प्रभू रामचंद्राची तुरुंगातून सुटका केली पाहिजे, भव्य दिव्य असं त्याच ठिकाणी राम मंदिर उभारणी झाली पाहिजे, राम मंदिर उभारलं गेलं पाहिजे. जर का राम मंदिर बनलं नाही तर सरकार बनणार नाही असा इशारा उद्धव ठाकरे यांनी भाजपला, मोदी सरकारला आणि स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना दिला आहे.